नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लगातार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन निकाल रहा हूँ और आप तक परोस रहा हूँ। तो आज बारी हमारी नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में कई सवाल ऐसे आते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, अनोखे होते हैं। आज मैंने वही एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हैं आपके लिए और देखेंगे उन क्वेश्चनों का हल हम कैसे सरल तरीके से कर सकते हैं और क्या खास है उन क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये सीजीएल में आया क्वेश्चन। एक ताले के चार अंकों वाले पिन, मान लीजिए ए बी सी डी, में अलग अलग गैर शून्य अंक होते हैं, ए बी सी डी। अंक संतुष्ट करते हैं कि बी ए से दुगना है, सी बी से दुगना है, डी सी से दुगना है। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे लूं, अगर मैं इसे एक ले लेता हूं तो ये कितना आएगा, दो आ जाएगा, इससे दुगना। सी कितना आएगा, इससे दुगना आएगा, चार आ जाएगा। और डी कितना आएगा, इससे दुगना यानी आठ आ जाएगा। ठीक है, तो फोर डिजिट जो पिन बननी थी हमारी वो क्या बन गई, एक दो चार आठ। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ली है, और कोई वैल्यू मैं यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा। अगर और कोई वैल्यू लूंगा तो ये दो अंकों की बन जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ए को वन ही लिया है। अब क्या निकालना है कि ये जो पिन का नंबर है ये किससे भाग होता है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब आंसर मार्क करते हुए ये देखना बहुत जरूरी है, दो तीन दो सभी में है, तो भैया दो तीन से चेक करने की जरूरत नहीं है। पांच सात ग्यारह तेरह, बस पांच से देखो नहीं हो रहा, ग्यारह से देखो पांच और दस, ग्यारह से भी नहीं हो रहा। सात से देखो, सात से कैसे देखते हैं, तीन अंकों में से ये घटाए थे 247, 247 भी सात से भाग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले आप बार बार दो से चेक करो, बार बार तीन से चेक करो। दो और तीन से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि चार ऑप्शन में है, तेरह पांच सात ग्यारह, इनमें से चेक कर लो, जो भाग करेगा वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सारे अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब कुछ ना कुछ अलग है, किसी में भाषा अलग है। जरूरी नहीं है कि हम डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन लें, हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो अपने आप में अलग हैं। ठीक है, यदि क्या कह रहा है, सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है। अगर आप प्राइम नंबर डालोगे ना गूगल पे या कहीं भी, ठीक है, प्राइम नंबर की बात करोगे तो केवल इकलौता इवन नंबर आता है यानी सम संख्या, वो है दो। उसके अलावा तीन पांच सात ये सब जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं, दो के अलावा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, एक्स जो है सभी के अंकों का योग है यानी इवन प्लस ऑड, इसके अंदर दोनों है, और वाई किसका है, केवल विषम वालों का यानी ऑड वालों का। आपको क्या निकालना है, एक्स माइनस वाई निकालना है। तो भैया इवन प्लस ऑड में से ऑड घटा दोगे तो केवल इवन वाला बचेगा, और इवन वाला प्राइम नंबर कौन सा था हमारा, वो था हमारा दो, तो दो हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, पर बेसिक पर है, कुछ अलग है। अगला देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे इसमें जोड़ा जाए ताकि वह 11 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें 11 से इसे भाग करके रिमाइंडर निकालना होगा। ठीक है, नौ चार पांच चार तीन पांच एक छः दो छः। अब भाई हमने 11 की डिविजिबिलिटी तो पढ़ी है, 11 से डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, ये 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 ये, ठीक है, तो कितना आ गया, छः बारह सत्रह इक्कीस पच्चीस। राइट साइड से लेंगे हमेशा, ठीक है, इसमें से 9 5 14 3 17 18 2 20, 20 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 5 बचेगा, ये रिमाइंडर आ गया। अब 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये 11 से भाग हो जाए,
वो आएगा मेरा नंबर 6। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा कि इसमें 6 जोड़ने पर ये 11 से भाग हो जाएगा। तो पहले हमने रिमाइंडर निकाला 11 से भाग करके, फिर उसमें 6 जोड़ दिया और देखा ये 11 से भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। अब 0.35 बार, 0.15 बार, इसे आप लिख सकते हो 0.50 बार, ये सीधा ऐड हो जाता है। अगर समान संख्या पे बार होता है, उतनी संख्या पे बार आ जाता है। इसके अंदर क्या जोड़ना है, 0.50 जोड़ना है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसे भी लिख रहे हो, भैया लिखना नहीं है इसके अंदर, ध्यान से समझो क्वेश्चन को भाई। 0.50 का मतलब क्या होता है, 50 बार का, 0.50 50 50 इस तरीके से चलता रहेगा और आगे 0.50 है, ठीक है, ध्यान से समझना बात को। अब आप ध्यान से एक बात ये देखिए कि कौन सी चीज ऐसी है जो रिपीट होगी। मुझे नजर आ रहा है 50 50 50 50 50, ये रिपीट होता रहेगा आगे, और ये आधा और आधा तो एक हो जाएगा। तो भैया आधा और आधा तो एक हो गया, और रिपीट क्या होगा 50 वाला। मैं केवल ये देखूंगा जो रिपीट होगा उसको देखकर मैं आंसर मार्क कर सकता हूं यहाँ पर। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा भाई। रिपीट क्या होगा, ध्यान से देखिए, रिपीट क्या होगा वो मैं यहां से देख सकता हूं भाई। नंबर से तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये नजर आ रहा है 0.50 बार, तो रिपीट होने वाली चीज क्या होगी, 0.50 ही होगी। तो यहां से मैंने देखा 0.50 और 0.50 से 50 नजर आया, जो बार बार रिपीट होगा, और बी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। पूरा बनाने की इसे भी जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन एक और, अगला देखिए। यदि कितनी डिजिट होंगी, यदि इसे इससे गुणा किया जाए। भाई क्वेश्चन तो आसान है पर थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो ये तो हमें पता ही है कि भैया यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो टोटल हो जाएगा 3+4 यानी 7 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में दोबारा से भी मिल सकते हैं भाई, ये जी डी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें 5 के साथ भी मिल सकते हैं। तो मैं कभी टाइम मिलेगा तो डिटेल वीडियो भी ले आऊंगा इसके अंदर, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है। ए और बी प्राइम नंबर है, तो इनमें से कौन सा सम ए और बी का नहीं हो सकता। ए और बी दोनों प्राइम है। अब ध्यान रखिएगा, इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन आ जाता है, इवन कह रहा हूं, ऑड आ जाता है, ठीक है, और ऑड प्लस ऑड क्या आता है, इवन आता है। अब इवन प्लस इवन, अब इवन प्लस इवन लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो प्राइम नंबर इवन तो नहीं हो सकते, केवल एक ही प्राइम नंबर इवन हो सकता है। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, ये है, दो प्राइम नंबर अगर ए और बी हैं, तो भैया क्या पॉसिबिलिटी है, एक इवन हो सकता है और एक ऑड हो सकता है, और मिला के क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, और दोनों अगर ऑड होंगे तो इवन आ जाएगा। और इवन में भी अगर बात करी जाए तो इवन में भी एक ही नंबर संभव है, वो है 2, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये तो मैंने बेसिक ज्ञान दिया है आपको, ठीक है, यानी कभी भी ऑड अगर सम आ रहा है तो इसका मतलब है एक आपने दो प्राइम नंबर चुनना पड़ेगा, पर यहां पर ऑड तो नहीं है, सारे इवन है, तो पहला केस तो हट ही जाता है, बचता है ये, क्योंकि सारे के सारे इवन ऑप्शन है। मुझे बताना है कौन सा संभव नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटे नंबर से उठाऊंगा। सबसे छोटा नंबर क्या है, ये रहा 6। अब 6 के अंदर देखो, 2 तो आप ले नहीं सकते, इवन तो हमें लेना ही नहीं है, दोनों ऑड लेने हैं। तो भैया 3 आता है और फिर 3 आता है, पर 3 और 3 क्या हो गया, दोनों एक जैसे हो गए। यहां क्या कह रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं, ए और बी जो है डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो भैया ये संभव नहीं है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन ऐसा है, जो 6 आपको दे रखा है वो नहीं बना सकते हम दो प्राइम नंबर के साथ। अगर बनाएंगे तो वो एक का रिपीट करना पड़ेगा, पर रिपीट हमने करना नहीं है, दोनों अलग अलग होने चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
ए का वैल्यू ये दे रखा है, अगर इसे 3 की पावर ए से भाग करते हैं तो आपको बताना है ए का अधिकतम मान। ए का अधिकतम मान का मतलब है कि इसके अंदर 3 की कितनी पावर होंगी, ठीक है, हम केवल ये गिनेंगे। अगर आप पहले नंबर को उठाते हैं 42 को, अगर 3 से भाग होगा तो कितनी पावर आएगी, एक पावर आएगी, 9 से तो ये भाग नहीं होने वाला, ठीक है। अगले नंबर पे आते हैं 54 पे आते हैं, 54 के अंदर 3 की कितनी पावर आती है, 3 * 9 = 27 27 * 81 81 तो नहीं हो सकता, 27 जरूर हो सकता है, यानी 3 पावर हो गई। तो फिर से मैं 3 जोड़ दूंगा इसके अंदर, भाई 1 3 इसके अंदर है, 3 3 इसके अंदर है। अब मैं आता हूँ 135 पे, देखो 3 की कितनी पावर होती है, 27 का 5 गुना होता है, 27 में क्या आती है, 3 की पावर 3 आती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी 3 ले लूंगा, तो टोटल कितनी पावर हो गई, 7 हो गई। तो मैक्सिमम वैल्यू जो ए की हो सकती है वो 7 हो सकती है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली उसने आपसे नंबर ऑफ 3 पूछे हैं कि अधिकतम इसके अंदर कितने 3 हो सकते हैं, तो हमने केवल 3 चेक करना है, 3 की कितनी पावर आएगी, 1 आएगी, 3 इसमें तो आएगी नहीं, 3 की कितनी आएगी, 3 आएगी, 3 की कितनी आएगी, 3 आएगी, 3 3 6 और 1 7 7 देखते ही आंसर आप मार्क कर दोगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यह है लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, और तगड़ा सवाल है। 3 जोड़ा 12 जोड़ा 27 जोड़ा और आखिर में चलते रहे और ये 3n² तक, 3n² क्या है, ये कोई nth टर्म है कि भैया n की वैल्यू 1 डालता हूं तो 3 आ जाता है, n की वैल्यू 2 डालता हूं तो 12 आ जाता है, n की वैल्यू 3 डालता हूं तो 27 आ जाता है, ठीक है। तो कोई nth टर्म का फॉर्मूला अगर इसमें पूछता है मेरे से तो वो 3n² है, पर उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है आपसे सम, कि सम क्या होगा, सम का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये आपके सामने। भाई ऐसे क्वेश्चन को मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, इसे हमें बना के तो करना ही नहीं है, बहुत बड़ी गलती होगी अगर हम बना के करेंगे, हमें सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है। देखो ध्यान से बात समझना, दो चीजों में फर्क है, अगर वो बोलता है nth टर्म, n की वैल्यू 1 रखता हूं मैं, 2 रखता हूं, 3 रखता हूं, 4 रखता हूं, n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 3 आएगा, 2 रखता हूं तो 12 आएगा, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, 3n², ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 48। पर वहीं अगर मैं सम की बात करूं तो n की वैल्यू 1 रखने पर क्या आना चाहिए, केवल और केवल 3 आना चाहिए, n की वैल्यू 2 रखने पे क्या आना चाहिए, यानी 2 टर्म अगर मैं लेता हूं तो 3 + 12 क्योंकि योग बताना है 15 आना चाहिए, n की वैल्यू 3 लेने पे क्या आना चाहिए, 15 और 27 42 42 आना चाहिए। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर आप 4 लोगे तो 42 में 48 जोड़ दोगे 90 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, अब इतनी आगे जाने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना है मैं सीधा देखूंगा n की वैल्यू 1 डालता हूं और सम क्या आना चाहिए 3, अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूं तो क्या होगा 1 2 3 / 2 ये आ गया 3। अब ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में मैंने आंसर मार्क कर दिया और आगे के ऑप्शन चेक नहीं किए, आगे के ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, 1 डालते हैं तो 1 2 और 3 / 6 तो यहां तो 3 नहीं आ रहा है, यहां देखिए 1 2 / 2 यहां भी नहीं आ रहा है, ठीक है, यहां देखिए 1 2 3 / 3 यहां भी नहीं आ रहा, यहां तो 2 आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन भी मैच कर जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या करना है, फिर आपको n की वैल्यू 2 रखनी है और चेक करना है 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसी में चेक करके दिखवा देता हूं आपको, अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं इसमें तो ये कितना आएगा 2 3 और 5 / 2 तो देखिए 15 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन मिलते तो हम n = 2 पर आते, इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि भैया nth टर्म की अलग बात होती है कि कौन सी टर्म पहली दूसरी तीसरी, पर जब n की वैल्यू 1 2 3 4 हम सम में डालते हैं तो सम का मतलब है पहली 2 पहली 3 पहली 4 इस हिसाब से चला जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सवाल, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो भाई दिल से लाइक करना सभी लोग, और जिनको एक सेशन अच्छे लग रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।
जो भी ये सेशन लगातार देख रहे हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके लिए लाए जाएं जिससे 10-15 मिनट के अंदर ही सारा वो रिवाइज हो जाए जो आपकी नज़रों से कहीं ना कहीं बच जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये आपका SSC, CHSL, CGL, CPO, आपका रेलवे, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं तो सब में ये कंटेंट काम आने वाला है। क्योंकि मैं क्वेश्चन तो उठा रहा हूँ, मैं कभी एग्जाम नहीं देख रहा कि भैया ये SSC का है, GD का है। जो अच्छा मिल रहा है ना वो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर, जब तक ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। जय हिंद।